गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड दैट, हमने किसके बारे में पढ़ा था? सॉइल के बारे में। तो हमने कहा था हम लोग एक ग्लास लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, अपने गार्डन से एक मिट्टी डालेंगे। ओके, अब क्या होगा? टॉप सॉइल, टॉप मतलब होता है ऊपर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर की लेयर होगी हमारे, जो पानी में हम ग्लास में पानी डालेंगे मिट्टी डाल के, वो क्या होगी? टॉप सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर बिकॉज इट हैज़ ह्यूमस। अब ये है कि जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल। फर्टाइल यानी उपजाऊ, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब ह्यूमस में क्या है? ह्यूमस इज़ द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम लोग अपना पानी ग्लास में डालेंगे, पानी सॉरी ग्लास में मिट्टी डालेंगे और उस पर पानी डालेंगे, तो क्या होगा? उसमें जितनी भी सड़ी गली पत्तियाँ और जो खाद जैसा पोर्शन है वो क्या होगा? वो हल्का है, इसलिए वो ऊपर तैर जाएगा। जो तैरेगा पोर्शन में ऊपर, वो होता है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसलिए वो हल्का है और वो पानी के ऊपर आ जाएगा। वो सबसे उपजाऊ होती है, इसीलिए पौधा जैसे ही हम बीज डालते हैं तो वो उगता है, क्योंकि उसको सबसे पहले ऊपर से ही वो मिट्टी और क्या है, उसको ह्यूमस मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ह्यूमस, तो टॉप लेयर तो पहले तो टॉप सॉइल है ना, फिर सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल है, इसका नाम क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज़ है? ह्यूमस इज़ द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज सब सॉइल, यानी जो बीच में है। द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल। जो ऊपर वाली लेयर के नीचे है, यानी सब सॉइल, टॉप फिर सब फिर नीचे, है ना? तो सबसे ऊपर टॉप, फिर जो सब मतलब बीच में जो है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पेबल्स। अब ये क्या है? जो बालू मिट्टी और जो कंकड़ है उनका क्या है, थोड़े जो टुकड़े बड़े हैं, क्योंकि वो पहले ऊपर हल्की चीज़ें ऊपर आ गई, फिर जो थोड़ी कम हल्की हैं वो ऊपर आ गई। तो ये कौन है? सैंड, बालू मिट्टी और पेबल्स यानी छोटे कंकड़। दिस लेयर इज़ नॉट फर्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है ये फर्टाइल नहीं है, यानी ये उपजाऊ नहीं है। फिर आता है बेड रॉक। अब जैसे बेड होता है वैसे बेड रॉक। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल विच इज़ मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स। तो जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, क्योंकि रॉक इसमें नाम है, तो जो थोड़े बड़े पीस हैं उनका बना है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट लेयर, और ये बहुत ही सख्त है और बहुत ही कॉम्पैक्ट, यानी आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर वर प्रेस डीप इन लेयर्स ऑफ सॉइल, दे आर नोन एज फॉसिल्स। अब है कि अभी तो ह्यूमस था जो डेड एंड डिकेइंग मैटर था, अब है कि जो पहले ज़माने में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो बहुत साल पहले मर गए थे, वर प्रेस डीप इन लेयर्स ऑफ सॉइल, वो मिट्टी में धीरे धीरे दबते गए और उनको क्या नाम दे दिया गया? फॉसिल्स। अभी हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, टॉप सॉइल जो सबसे ऊपर, सब सॉइल, फिर जो टॉप सॉइल के नीचे है, और बेड रॉक जो सबसे नीचे है। टॉप सॉइल में ह्यूमस है, सब सॉइल में सैंड एंड पेबल्स हैं जो कि उपजाऊ नहीं है, बेड रॉक में क्या है? वेरी हार्ड है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये तो हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, अब अलग अलग टाइप्स की सॉइल कौन सी है? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दे कैन होल्ड। अब इन लोग हम लोग इनको कैसे बांटेंगे? एयर और वाटर जो उसके अंदर जाती है उसके अकॉर्डिंग। पहला आता है सैंडी सॉइल, तो सैंड से मतलब जिसमें सैंड हो। इट इज़ द मोस्ट फाउंड इन डेजर्ट्स एंड बीचेस। जो बालू मिट्टी है वो कहाँ पर ज़्यादा मिलती है? रेगिस्तान में, जहाँ पे डेजर्ट है और बीच यानी समुद्र के किनारे। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। आपने मकानों के समय, मकान बनते समय भी देखा है कि बालू मिट्टी आती है, कई बार हम लोग गमलों में भी डालते हैं, तो इसमें क्या होती है? लार्ज पार्टिकल्स, इसके थोड़े कंकड़ बड़े होते हैं। इट कैन होल्ड एनफ एयर बट नॉट वाटर। तो जो ये वाली सैंडी सॉइल है ये बहुत सारी क्या कर सकती है? पानी इसमें ले सकती है, लेकिन एनफ एयर, सॉरी एयर इसमें जा सकती है बट नॉट वाटर। ठीक है, इसमें हवा जा सकती है बट नॉट वाटर। देयरफॉर इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इसलिए इसमें अच्छी फसल नहीं होती। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड ओपुंचिया ग्रो वेल इन दिस सॉइल। और हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि कैक्टस और ओपुंचिया क्या होते हैं, ये सब कैक्टस का ही नाम है ओपुंचिया, जो कि डेजर्ट में उगते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पढ़े सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल के लिए हम क्या कहेंगे? डेजर्ट्स में पाई जाती है, बीचेस पे पाई जाती है,
और इसका सबसे मेन क्या है, इट कैन होल्ड एनफ एयर, ये हवा तो ले लेगी लेकिन ये पानी नहीं ले पाएगी, इसीलिए पौधों को तो चाहिए पानी, तो जब ये पानी ले ही नहीं सकती तो कैसे इसमें पौधे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल, जो क्ले जैसे आप लोग खिलौने भी बनाते हो वो सब क्लेई सॉइल होता है। इट इज़ स्टिकी एंड स्मूथ टाइप ऑफ सॉइल, ये बहुत चिपचिपी है और स्मूथ है, सॉफ्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, आपने खिलौने बनाते समय देखा है, गमले बनाते समय देखे, चिकनी मिट्टी का यूज़ करते हैं। इट कैन होल्ड एनफ वाटर, अब ये वाली मिट्टी क्या है, बहुत सारा पानी ले लेती है पर इसमें हवा नहीं घुस सकती। देयरफॉर इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये भी पौधों को उगाने के लिए ज़रूरी अच्छी नहीं है। क्या होगा, क्योंकि इसकी मिट्टी में क्ले सॉइल में क्या होगा, जब पौधों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तब ये क्या काम आती, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, घड़े, पिचर, है ना, गमले, ब्रिक्स, टॉयज एंड मूर्तियाँ, आइडल्स मीन्स होता है मूर्तियाँ। सैंडी के बाद हम आए क्लेई पे, सैंडी जिसमें सैंड बहुत है, क्लेई जो बहुत चिकनी है। अब आते हैं हम लोमी सॉइल, जो कि बेस्ट सॉइल है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले, अब जो लोमी सॉइल है ऊपर वाले सैंडी और क्लेई दोनों का क्या है, मिक्सचर। तो जब दोनों चीज़ों का मिक्सचर है तो इसमें ये हो सकता है कि ये अच्छे से पानी भी होल्ड कर रही है और ये अच्छे से एयर भी कर रही है, क्योंकि जो हमारी सैंड थी वो हवा तो होल्ड कर रही थी पर पानी नहीं, और हमारी जो क्ले सॉइल थी वो क्या करती, पानी तो कर रही थी, इट कैन वाटर तो होल्ड कर रही थी, पहले वाली हमारी वाटर होल्ड नहीं कर रही थी, सेकेंड वाली क्ले सॉइल क्या थी, ये पानी तो होल्ड कर रही थी पर ये हवा को नहीं कर रही थी, है ना। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये होगी आपकी लोमी सॉइल। तो ये दोनों का मिक्सचर है, सैंड और क्ले, इसलिए हम लोग जब गमले में मिट्टी लगाते, पौधा लगाते हैं तो उसमें हम सैंड और क्ले दोनों को मिक्स करते हैं। इट कैन होल्ड एनफ एयर एंड वाटर, तो ये अच्छे से पानी भी होल्ड कर लेती है, इसलिए गमले में जैसे ही पानी डालेंगे तो आपने देखा है वो पानी ज़मीन में नीचे चला जाएगा और पौधे को पूरा पोषण मिलेगा। देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इट इज़, इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस विच मेक्स इज फर्टाइल, और इसमें ह्यूमस भी है, जो ह्यूमस हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, इसमें पौधे उगते हैं। सो बेस्ट सॉइल इज़ लोमी, तो अभी हमने पढ़ी सैंडी, फिर क्लेई, फिर लोमी, तो जो आपकी बेस्ट सॉइल है वो कौन सी है, लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल कहाँ पे है, डेजर्ट में, क्लेई सॉइल कहाँ है, किस काम के लिए बनती है, आपके पॉट्स, ब्रिक्स, क्योंकि वो क्या करती है, इट कैन होल्ड एनफ वाटर, वो पानी ज़्यादा सोख सकती है पर हवा नहीं, जबकि सैंडी क्या करती है, इट कैन होल्ड एनफ एयर बट नॉट वाटर, पर जो लोमी है ये दोनों काम कर सकती है। अब है यूजेज ऑफ सॉइल, यूजेज ऑफ सॉइल क्या है, अगर हम सॉइल के बारे में पढ़ें तो सॉइल क्या क्या काम आती है। ऑल प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, आपको पता है सब पौधे मिट्टी में उगते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे इस पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली तो ऐसे करते हैं कि सारे जो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं इसको खाते हैं, इनडायरेक्टली ऐसे करते हैं कि जो हर्बीवोर्स है वो कार्निवोर्स को खाते हैं, है ना, सॉरी कार्निवोर्स किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, घास। सो सॉइल सपोर्ट्स ऑल लाइफ, और हम लोग भी हैं, इंसान भी है, तो वो अनाज खाता है, और अनाज कहाँ से मिलता है, ज़मीन में उगता है, दैट मीन्स सॉइल में उगता है। इट इज़ द होम ऑफ मैनी एनिमल्स, और ये बहुत एनिमल्स का घर है, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, स्नेल्स हैं, रैट्स हैं, अर्थवॉर्म है, सेंटीपीड्स है। सेंटीपीड्स क्या होता है, जो आपने कनखजूरा देखा है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, 100 पैर होते हैं, वो होता है आपका सेंटीपीड, वो भी कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। सॉइल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट आर यूज एज बिल्डिंग मटीरियल्स लाइक सैंड, पेबल्स, क्ले एक्सेट्रा, अब जो सॉइल है या तो मिट्टी या उसके जो मिट्टी से बनी चीज़ें हैं, जैसे सैंड भी है, ये मिट्टी से बनती है, सॉइल से पेबल्स हैं, छोटे पत्थर हैं, क्ले है, ये सब मकान बनाने के काम आते हैं। मैनी प्रेशियस मिनरल्स एंड स्टोन्स आर फाउंड इन द सॉइल, और अभी हमने पढ़ा था डायमंड, रूबी, ग्रेनाइट, मार्बल, कोल एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में। कोल जो कोयला है वो भी कहाँ पाया जाता है, सॉइल में। अब देखिए, फर्स्ट क्विक स्क्रॉल, सॉइल इज़ फॉर्म्ड अप बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेन लेयर्स, टॉप यानी सबसे ऊपर, सब बीच में, और बेल्ट सबसे नीचे। द थ्री काइंड्स ऑफ सॉइल आर सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सॉइल हैज़ मैनी यूजेस, इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, ये दोनों लाइफ को सपोर्ट करती है, प्लांट को कि वो उगते हैं, एनिमल लाइफ क्योंकि वो प्लांट को खाते हैं।
इट इज़ होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट एंड यूज टू मेक मैनी थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.